दोस्तों कहते हैं कि मृत्यु के बाद केवल शरीर का अंत होता है, ना कि आत्मा का। आत्मा केवल शरीर बदलती है। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के इस गांव में, जहां पर पिछले जन्म के बेटे ने खोला यमराज की अदालत का राज। इस सच्ची घटना को सुनने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दिल्ली के दयालपुर में रहने वाला भरत, जिसे हाल ही में अपना पिछला जन्म याद आया है और उसने ये दावा कर बताया कि उसने यमराज की अदालत देखी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भरत जब 10 साल का था तो उसे बार बार एक मकान और अपने माता पिता तथा अपना गांव नजर आता था। साथ ही वो अपना नाम मुरलीधर बताता था। उसके साथ ऐसा कई सालों से हो रहा था। एक दिन अचानक से उसे उस गांव का नाम याद आया जिसे वो अपने सपने में देखा करता था। जब भरत के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो और उसके गांव के कुछ लोग उसे लेकर उस गांव में पहुंचे। वो देखना चाहते थे कि क्या सच में भरत की बात सच निकलती है। इस गांव में पहुंचते ही भरत आगे आगे चलने लगा, जैसे उसे उस गांव का रास्ता याद हो। परंतु उसके माता पिता दोनों हैरान थे कि भरत तो आज तक इस गांव में कभी नहीं आया, फिर उसे ये रास्ता कैसे याद है। अब वो एक मकान के आगे खड़े थे, तभी उन्होंने उस घर का दरवाजा जोर से खटखटाया और फिर घर के अंदर से एक बुजुर्ग बाहर निकला। ये देख भरत जोर से चिल्लाया, पिताजी, मैं मुरलीधर। ये सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग और वो बुजुर्ग हैरान रह गए। बुजुर्ग ने भी सभी को बताया कि कैसे 10 साल पहले उसके बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह सभी खामोश खड़े थे कि अचानक से भरत ने बताया कि जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो यमराज की अदालत में गया। उसने बताया कि वहां कई लोग सफेद रंग की दाढ़ी में थे। इसमें से एक व्यक्ति के आगे एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर एक बड़ी किताब थी जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए थे और साथ ही ये भी लिखा था कि उसकी मृत्यु कब होगी। उसने आगे बताते हुए कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि यमराज के दूत गलत मुरलीधर को उठा लाए हैं। दूतों ने मुझे वापस पृथ्वी पर भेजना चाहा, लेकिन तब तक मेरा अंतिम संस्कार हो चुका था, इसलिए अब मेरा भरत के रूप में जन्म हुआ है। सभी को अपनी आंखों के सामने हुए इस चमत्कार से यकीन हो गया कि वाकई में पुनर्जन्म की कहानी सच्ची है। दोस्तों कहते हैं कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना पिछला जन्म याद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।